हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं फिल्मी अड्डा। दोस्तों, बॉलीवुड में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। बॉलीवुड में कब किसकी जरूरत पड़ जाए या कब कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए इसके बारे में तो केवल भगवान को ही पता है। और ऐसी ही मुसीबत में फंसे थे बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन। और उस वक्त जब इंडस्ट्री में कोई उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा था तब उनकी हेल्प की थी बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन ने। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। बात है साल 1998 की, जब अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स छोड़कर वापस बॉलीवुड में कमबैक कर रहे थे। फिल्म थी मेजर साहब, ये उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म भी थी। इस फिल्म में खुद अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और सोनाली बिंद्रे लीड रोल में थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अमिताभ के जिगरी दोस्त टीनू आनंद और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में अभिषेक बच्चन काम कर रहे थे। टीनू आनंद ने ही कालिया, मैं आजाद हूं और सहिंसा जैसे मूवी डायरेक्ट की थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन को लेकर अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद में बहस हो गई थी। दरअसल एक सीन था जिसको अमिताभ बच्चन रीशूट कराना चाहते थे, लेकिन टीनू आनंद ने रीशूट करने से मना कर दिया। बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि टीनू आनंद सेट छोड़कर ही चले गए और अमिताभ के वापस बुलाने के बाद भी टीनू आनंद सेट पर नहीं आए। कई सप्ताह इंतजार करने के बाद अमिताभ बच्चन काफी टेंशन में आ गए, क्योंकि मेजर साहब उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म ही थी और वह ओवर बजट भी हो रही थी। ऐसे में बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन से उनकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अमित जी को कहा कि अब वह ये फिल्म डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें डायरेक्शन का भी आइडिया है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने पापा के साथ कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कई डायरेक्टर फ्रेंड भी हैं जो जरूरत आने पर उनकी मदद कर देंगे। तब अजय देवगन और उनके फ्रेंड रोहित शेट्टी ने मेजर साहब के बचे हुए सीन शूट किए। तो दोस्तों, इस प्रकार बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन ने अमिताभ बच्चन की तब मदद की जब वो अकेले पड़ गए थे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज से जुड़ी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फिल्मी अड्डा के साथ।